तो आप देख सकते हैं ये सर्विसिंग के बाद से इंजन सीज हो गया था। तो अभी आप देख लीजिए कि जब सर्विस में ऑयल फ्लश हुआ था उस टाइम में जो किनारे पे देख रहे हैं ना कितना कचरा है, जाली कचरे की वजह से चोक हो गया था। और ये अभी फ्लशिंग के बाद से इतना कचरा रह गया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये कचरा इधर साइड से है। और ये वाला हिस्सा वो है जो फ्लश के बाद से चमक गया था। तो फ्लशिंग से कुछ हिस्सा जो रह गया है, जैसे जो भी कार्बन रह गए हैं उसको मैं अच्छी तरीके से अब क्लीन करने वाला हूँ। और ये पार्ट देख लीजिए, इसको सारे को मैं बहुत बढ़िया चमकाने वाला हूँ A to Z। ठीक है, अभी ये सब पॉइंट सीज हो गया जो, और उपलट इधर इसके चक्कर में हमें हेड जो है ना बदलना पड़ रहा है, जो बात है। और ये भी स्टैंडर्ड ए भी फेस है, तो हमें स्टैंडर्ड ही फेस के लिए देखो सेम टू सेम हेड लेके आ, देख सकते हैं आप फेस कितना स्टैंडर्ड साइज है और मेन फेस ही है। तभी फेस बिल्कुल प्रॉपर है। अभी मैं इसको धुलवा रहा हूँ क्योंकि यार आता है हेड तो फिर बुरा कंडीशन होता है। पलटिए जरा इसको पलट। अभी देखो ये पॉइंट देख रहे हो ना, अभी धुल के दिखाऊंगा मैं, पर हेड दूसरा लेके आया, रख दो साइड में। तो अभी सफाई का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और सफाई बहुत मायने रखता है हर चीज़ के लिए और ख़ासकर इंजनों के लिए। तो अभी क्रैंक सॉफ्ट पूरी तरीके से इसको क्लीन कर रखा है, और जितना कोशिश करो अच्छा क्लीन करने के लिए ये क्रैंक की कैप पूरा। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम, मैं मुकेश चंद्रकोण नोएडा इंडिया से, और आज i20 का इंजन ओवरऑल करने वाले हैं। तभी प्रोसेस सफाई का कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें फिटिंग करना है। लेकिन आपने इसका पहला भाग यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको देख लेना। अभी हम उन स्टेप पे बात करेंगे जो स्टेप होना चाहिए ओरिजिनल इंजन फिटिंग का। तो सारे स्टेप बाय स्टेप चेक करवाता हूँ। हमने इंजन तो बतेरा कर लिए, आपको बतेरा दिखा भी दिए, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसपे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उन सारी चीजों पे आज बात करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्रैंक है, अभी इसको फिट करेंगे। उससे पहले ये जो ऑयल जेट है इसकी फिटिंग चल के मेन बिगन लगेंगे, तब क्रैंक लगेगा, फिर ये वाला प्लेट लगेगा। अभी देख सकते हैं क्रैंक काफी हमने क्लीन कर रखा है इसे। अब क्लीनिंग मायने रखता है 50%, आप कितना बढ़िया क्लीन करते हो सारा उस पर डिपेंड करता है। क्लीनिंग पे 50% डिपेंड क्लीनिंग पे है। यदि क्लीनिंग अच्छी है परफॉर्मेंस बेटर देगा, क्लीनिंग गद्दी है गंदा वंदा इंजन वैसे बांध रहे हो उसमें मजा नहीं है भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक घंटा लेट ले लो कोई बात नहीं, पर क्लीनिंग अच्छी हो। तो ऑयल जेट हमने लगा दिए चारों, ठीक है, ऑयल जेट सारे टाइट हो गए। क्रैंक की बिगन बैरिंग, मेन बैरिंग, अभी बिगन मेन जो है स्टैंडर्ड साइज है, ये भी न्यू बैरिंग डला हुआ है, ठीक है। तभी हमने सारे इसके मेन लगा दिए A to Z। बस क्रैंक का कैप, और चूंकि कैप कंप्लीट है इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसमें भी मैंने मेन बैरिंग लगा लिए हैं जो भी होता है इसका ऊपर वाला। तो जो प्लेन होता है वो ऊपर में होता है, जो कट वाला होता है वो नीचे होता है। तो अभी प्लेन है सारा, मैंने ऊपर लगा लिए हैं। अभी इसको बोल्ट लगा के और फिर फिट कर देंगे। अभी लगे हाथ हमने मेन सील भी लगा दी इसकी, अब उसके बाद से इसके कैप को साइड से पकड़ लो। इसके मेन टाइट कर दिए, और क्रैंक इतना फ्री होना चाहिए देख लो, ठीक है। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है मिस्त्री के लिए भाई। परफॉर्मेंस तो माल करता है जो सामान डालते हो, पर मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। और 3000 का इसमें प्ले होना चाहिए, जो 3000 का प्ले जो मैंने न्यू डाले हैं इसके थर्स वार्सल और मेन, तो उसमें 3000 का प्ले होना चाहिए, तभी बिल्कुल परफेक्ट है। इतना फ्री होना चाहिए, फ्री है। और डीजल हो या पेट्रोल 3000 सब में रहता है। फ्लाईव्हील ठीक है, और सफाई करके लगा दी फ्लाईव्हील भाई। अब कोई भी पार्ट है बिना सफाई के लगाना सही नहीं है। टाइट हो गए, और क्या करें आज मौसम भी मेहरबान है भाई। ये देखो ओले देख रहे हो ना, ओले पड़ रहे हैं, ये देखो मौसम भी आज मेहरबान है, ओले ओले रास्ते में देख सकते हैं कितने सारे। तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, जो बात है। अभी एक इसमें एक चीज़ है, अभी देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा बेंड है। आप ये इधर से बेंड हो गया, ये इधर से बेंड हो गया, यानी बिगन जो सीज हुआ ना तो इसको भी बेंड कर दिया, कनेक्टिंग रोड को भी।
तो मेजरमेंट जब इसको कंप्यूटर के लेंथ पे चढ़ाया ना मैंने माइक्रोमीटर पे, तो पूरा बेंड दिख रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं स्ट्रेट नहीं है, पूरा बेंड है। अभी इसको मिलाऊंगा तो अब देखो किधर, देख रहे हो ना किधर जा रहा है ये, जो कि यहाँ से मिला दिया था, ये इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये दोनों बैंड है, इसलिए मैंने दोनों ही न्यू चेंज कराया है। और दोनों एक ए है और एक ए है, ये दोनों देख सकते हैं न्यू है, जेन्युइन है। और ये पिस्टन मैं यही यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं पिस्टन का कुछ नहीं घिसा है, बिल्कुल एक्यूरेट पिस्टन है। और चूँकि 22,000 रुपये का पिस्टन है, तो सिर्फ पैसे का तो मैं ध्यान इसलिए नहीं लेता, क्योंकि ये घिसा हुआ रहता तो मैं डाल देता, कोई दिक्कत नहीं थी, 22,000 हो या कितना भी हो। लेकिन अभी पिस्टन बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है पिस्टन के अंदर, और ना ही कुछ घिसा है इसका। अब पिस्टन का घिसता क्या है, रिंग जब तक कटे ना ना तब तक पिस्टन का कुछ नहीं घिसता है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर है पिस्टन, ठीक है। और यहाँ से भी सीज हो जाता है, जो कि ये भी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी सीज नहीं है, ये कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए इसी पिस्टन को मैं यही लगा रहा हूँ, पुराने पिस्टन ही लगा रहा हूँ। चेंज कराया तो इसके बिगन चेंज कराए हैं, मेन बैरिंग चेंज कराया है मैंने, सी आरबूसी इसके चेंज कराए हैं चारों के, ठीक है। और स्लिप न्यू डलवाई है, तो अभी पिस्टन रिंग भी न्यू डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि न्यू डालना ज़रूरी है। इंजन कर रहे हैं भाई, पुराना में रिंग कटा हुआ है, उसमें बैक आने का चांस रहेगा, इसलिए मैं न्यू डाल रहा हूँ। हमने जो ना इसकी स्लिप न्यू डलवा दी, पिस्टन ओल्ड वाले ही हैं। तभी मैं आपको चेक कराता हूँ, सबसे पहले मैंने ये टॉप रिंग डाला है, ये टॉप रिंग है, पुराना टॉप रिंग है, पुराना गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वही नया टॉप रिंग, आप गैप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए जितना उतना है परफेक्ट। ये न्यू रिंग है, पुराना कंप्रेशर रिंग, गैप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, न्यू देख सकते हैं कितना कम है। तो ये इतना होना चाहिए जितना ये है ना, इतना ही गैप होना चाहिए न्यू का, वरना पुराना देख रहे हो कितना फैला हुआ है, इतना नहीं चलेगा, ये इतना चलेगा जैसे इतना है, तो इसलिए हमें न्यू रिंग डालना पड़ रहा है, पिस्टन रिंग। ये पुराना है, नया है, ये पुराना है, ये नया है, अभी देख लो आप। तो यही कारण है ये पिस्टन रिंग मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ पुराना वाला, क्योंकि ये नहीं चलेगा, गैप ज़्यादा है, इसलिए ये बैक कंप्रेशर दिखाने का चांस है, हटाओ भाई इसे। अभी ये कंप्रेशर रिंग है, सिर्फ कंप्रेशर रिंग को नीचे रख रहे हैं, क्योंकि ऑयल जेट जो है ना ये नीचे की तरफ है, तो इसलिए ऑयल रिंग का कट को हम मुझे अपोजिट रखना पड़ेगा, तभी कंप्रेशर रिंग का कट इस साइड में और ऑयल रिंग और टॉप रिंग का कट इस साइड में रखा है, देखो दोनों को। अभी रिंग क्लिप घुमावेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे आना चाहिए, बीच में आ जाएगा दोनों रिंग, ठीक है। चलो अभी इसके मेन बिगन टाइट कर दिए, बिगन जो है अब प्ले भी बिल्कुल परफेक्ट है, अभी घुमा के चेक करो, ऐसे टेस्ट करना होगा, क्योंकि जाम होते हैं ना तो पता पड़ जाता है टेस्टिंग में ही, प्ले नहीं आती है, और इतना फ्री होना चाहिए पिस्टन ठोकने के बाद, ठीक है। तभी चैम्बर फॉर्मेलिटी के लिए चैम्बर लगाते हैं 2 वोल्ट लगा के, टाइमिंग हेड और टाइमिंग करके फिर चैम्बर को नए सिरे से लगाएंगे, एना बोंड लगा के, अभी विदाउट बोंड ही लगाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, हेड गैस्केट लगा के, न्यू हेड गैस्केट लगा के हमें ये करना पड़ेगा, इसका हेड बिठा लेते हैं। पिस्टनों का देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा भी जो कहते हैं ना प्ले होना, वो तक भी नहीं है, ठीक है। और एक कपड़े का डस्ट आ रहा है, इसे साफ़ कर लो। ये हेड तो आपने देखा था, ये पूरा सीज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे हेड बदलना पड़ा, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड साइज का हेड लेके आया हूँ, और इसमें वाल गाइड वाल सील सीट सारे का काम भी करवाना पड़ा, न्यू वाल गाइड वाल सील और सीट ये न्यू डलवानी पड़ी हमें। और फेस चूँकि स्टैंडर्ड साइज है, तभी इसको एक हेड गैस्केट लगा कर फिट कर देते हैं। सफाई का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट है, देख सकते हैं आप, और सफाई भाई साहब मायने रखता है। एक चीज़ ध्यान दो, देख रहे हैं बोंड कैसे कितना कायदे में लगाया है, जो क्रैंक की कैप है वो वाला देखो
इतना कायदे में लगाया कि एक बराबर निकला, ऐसा नहीं है भर भर के ठोक दिया और चारों तरफ से ऐसा फेंक दिया पूरा। आप देख सकते हैं गैसकेट की कीमत 3236 रुपए है, इतना महंगा इसका हेड गैसकेट है। ये रहा हेड गैसकेट, और इसका ये मार्का देख सकते हैं हुंडई का ओरिजिनल हेड गैसकेट का, ठीक है। तब ये इसे यूज करने वाले हैं। वो हेड गैसकेट लगा दी, बस बिल्कुल ओके, दो बोल्ट लाओ। तो अभी हेड बिल्कुल प्रॉपर फिट कर दी हमने, अभी हेड करके टाइट कर दिया हेड, अभी रोकर लगा रहे हैं। लेकिन रोकर का भी एक वो लगाने का तरीका है भाई, इसके रोकर को जितना हो सके कोशिश करो सारे फ्री हो। देखो जैसे फ्री हो, हार्ड लगाने से टूटने का मिसिंग करने का चांस ज़्यादा होता है। फ्री होगा, ऑयल की सप्लाई अच्छी होगी तो उससे आने के चांसेज होंगे। जैसे चेक कर रहे ना, ऐसे चेक करना होगा सारे। तभी मैंने सारे रोकर इधर से लगा दिए हैं, अभी केम लगाने वाले हैं, ठीक है। अभी केम को हम लगा देते हैं, कंप्लीट जो लेके आया था मैं। ये टाइमिंग प्लेट है, और चूँकि इसमें ऑयल की प्रॉब्लम थी, ऑयल की वजह से सीज हुआ था केम, स्लज पूरा जम गया था जाली पे। यहाँ से ऑयल लेता है, ये पंप है ऑयल पंप, तो जब यहाँ से ऑयल ही नहीं ले पाएगा तो ऑयल पंप कितना भी घूमता रहे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी हमने इसको भी खोल के चेक करना होगा कि इसकी क्या कहानी है। तभी सारे पेच में हटा देता हूँ इसके, अभी इसको डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये ख़राब तो नहीं है। तो ख़राब के लिए क्या चीज़ हमें माइंड करनी होती है, बस ये देखना होता है ये कटा तो नहीं है यहाँ हिस्सा। तो अभी बिल्कुल सही है, ये लाइनिंग ये वाली लाइन है किनारी वाली, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस पर कोई लाइन नहीं होना चाहिए, इस पर कोई लाइन नहीं होना चाहिए, तभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये है इसका, खोलते हुए भी ध्यान देना होता है पार्टों को यार, आँख बंद करके खोलना नहीं होता है। पार्टों को भी खोलते हुए थोड़ा ध्यान देना होता है कौन सा पार्ट किधर फिट है। तभी देखो ये पॉइंट ऊपर, ये पॉइंट ऊपर। तो इसको पूरा सिस्टम को निकाल लेते हैं बाहर, अभी इसको भी डायग्नोस करेंगे। ये चीज़ें ध्यान देनी होती है, थोड़ा सा ये कैमरा पकड़ो बस। मैकेनिक का काम क्या है, मेजरमेंट, देखना कौन सा पार्ट खराब है कौन सा सही है। चेंज उठा के चेंज करना कोई कलाकारी कोई है, उसको चेक करना पहले कि क्या वो पार्ट खराब है कि सही है। तो अभी मैं जहाँ तक पार्ट देख पा रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट है। इस पर जब ख़राब होता है ना तो लाइन आ जाती है ऐसे करके, कई सारी लाइनें आ जाती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी कहीं से कहीं तक ये घिसा नहीं है, अब अंदर का देखना पड़ेगा अंदर का क्या कंडीशन है। वीडियो लंबी हो जाती है यार, क्या करें, बस ऐसे महसूस करना पड़ता है कहीं से लाइनिंग तो नहीं है दरदरा का। ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हटाओ। बिल्कुल चिकना पीस होना चाहिए, ये हाँ। ये वैसे निशान है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दूर तलक भी सब पे आया हुआ है। और कोई कचरा आ गया होगा ना उसकी वजह से निशान डाल दिया है सब पे। तो यही चीज़ें तो चेक करनी होती है, इंजन तभी तो कामयाब होता है भाई। अभी बिल्कुल परफेक्ट है ये, थोड़ा सा भी अड़े ना हाथ में महसूस हो कि यार गड़बड़ है कुछ, तो फिर उसको कर लो हैंड टू हैंड, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके अंदर ये है, तो अभी कचरा तो बहुत है, देखो सफाई हमने कर दिया लेकिन कचरा कितना ज़्यादा है। फिर भी हमने इसको एलंकी को खोल के इसके वाल को चेक करना पड़ेगा, इसको खोल के इसके पिस्टन को चेक करना पड़ेगा ये परफेक्ट है कि नहीं है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ बुरादा उरादा कटा हुआ वो आ जाए, तो इसको भी खोलने वाले हैं। जब कोई गाड़ी के अंदर शिकायत हो ना तो उसको चेक करना ज़रूरी होता है। अभी ये स्प्रिंग है, इसके अंदर एक वाल है, मेरे को पिन पेचकस दे दो।
अमित भाई रहने दो, बस अब इस पर तुम डीजल मार के बढ़िया करके इसके सुराखों में पानी मार दो एक बार, बस। ये ऊपर वाला है, रह रहा है ऊपर वाले, ले लो। वाल को भी चेक करना है भाई, बड़े मैकेनिक का काम क्या है, टेस्टिंग का ही तो काम है, बिल्कुल परफेक्ट है। हटाओ इसे, अब उसे उठाओ। अभी धुलाई का प्रोसेस बढ़िया हो गया, ओके। अभी सबसे पहले मुझे जो है ना ये वाला लगाना पड़ेगा, इसको भी मैंने धो लिया है पेट्रोल से ही। तो ऐसे फिट कर दें? नहीं, इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पॉइंट ऊपर है, उस पॉइंट को हमने ऊपर लेना है। ये जो पॉइंट है इसको ऊपर के तरफ लेना है। तो ये पॉइंट तो चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है, यहाँ परफेक्ट है, कोई फंस नहीं रहा है। अभी इसे बाहर निकालते हैं, ऑयल कीप दो, ऑयल कीप। अभी थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, ऑयल लगा दिया। अभी इसको ये हो गया, अब देखो कितना स्मूथ हो गया। अभी थोड़ा सा ऑयल इसके किनारे पे लगा देते हैं, अब इसमें भी ऐसे नहीं फिट कर देना, इसमें भी देखना होगा पॉइंट कहाँ है। तो ये पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, किधर भी लगा लो, फिर भी मैं यहाँ इसे बिठाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर हमें एक बार ऑयल लगाना पड़ेगा दबा के जितना हो सके। अब इसको एक बार घुमा के चेक कर लो, अभी मामला टाइट हो गया बिल्कुल ही, ठीक है। ये है कहानी, तो ओके है यहाँ। अभी इसका सेंटर ये देख रहे हो ना दोनों, इस पर करके प्ले चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे का। ये अभी ऑयल लगा बिल्कुल ओके है, प्ले नहीं है ज़्यादा। अभी मुझे वो प्लेट लगानी पड़ेगी, तो प्लेट दे दो भाई। प्लेट दे दो, शाबाश। ये प्लेट है, ये भी सफाई करके ले लिया मैंने। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ चालू है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ का प्रोसेस पूरा हो गया, अभी इसको थोड़ा सा घुमा ऐसे, पब्लिक को प्रॉपर दिखना चाहिए कि आखिर क्या कर रहे हैं। अब ये जो वाल है ये मायने रखता वाल, तो सबसे पहले ऑयलिंग जितना कर सको भाई, ऑयलिंग के लिए तो मैं बोलूँगा कि जितना कर सको बेस्ट है। अब इसको बस, ये अलग से स्प्रिंग है, कभी ऐसा हो फिक्स समझ लो, जो हो बिल्कुल दबा दब दबा दब, कोई टेंशन ना हो, ठीक है। अभी चूड़ी पे थोड़ा सा ऑयल लगा लो, स्मूथ चढ़ेगा। अब इसको बस एक बार फिर से दीजिए। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ का, ऐसे में ही काम करना होगा, एक एक चीज़ चेक करके तभी फिट करना होगा। मैकेनिक का यही होता है कि सारे चीज़ चेक करे पहले। अभी बाई द वे ऑयल नहीं ऊपर आया, चलो हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, ऑयल नहीं आया, चाहे ऑयल की लाइट आ गई, तो हमें शक तो नहीं रहेगा कि इसमें कुछ कमी तो ना रह गई थी, हमने देख लिया चेक कर लिया प्रॉपर ओके है, अब इसको फिट करेंगे। तो आइए टाइमिंग सेट करते हैं फिर। केम टाइट कर लिया मैंने और घुमा के भी चेक कर लिया, केम बिल्कुल फ्री है। फ्री होना ज़रूरी है, खाली लगाना जरूरी वो नहीं है। तभी इधर से टाइमिंग फिट करेंगे, चूँकि इसके पैकिंग पे जो ना हमें बॉन्ड लगाना पड़ रहा है, ये वाला बुलडॉग नाम है इसका, बुलडॉग पैकिंग पे यही यूज करो यार, कोई बता नहीं सकता कि बाहर से इंजन हुआ है, क्योंकि एना बॉन्ड हम ज़्यादा दबा के लगाते हैं ना, ऐसे पब्लिक बता देती यार हुआ है, पर ये बॉन्ड लगाएंगे ना तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये इंजन हुआ है कि नहीं हुआ है। तभी इसकी पैकिंग लगा रहे हैं, उसके बाद अंदर वाला प्लेट लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, नीचे ले जाओ, जूम मत करो बिल्कुल ही, और नीचे घुमाओ। ये अभी इसको ये पूरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बोल्ट लगाओ, बोल्ट लगा भाई साहब। ठीक है, ये प्लेट टाइट हो गया। अभी केम इतना सीज हो गया था,
तो सिर्फ मैं ये देखने के लिए कि इसकी जो पिन थी वो भी टूट गई, गरारी भी घूम गया, इतना सीज हो गया था। देख सकते हैं ये बेंड तक हो गई थी इसकी पिन और गरारी पूरा घूम गया था। सोचो कितना सीज हुआ है। तो इस चक्कर में मुझे टाइमिंग चैन पे डाउट है कि टाइमिंग चैन कभी ऐसा हो कि वो भी खींच गया हो। टाइमिंग चैन तो बदलना ही होगा हर हाल में, तो इसलिए मुझे कंप्लीट किट लानी पड़ी। देख सकते हैं ये। तो अब इससे रिलेटेड जो भी मेरे को रिक्वायर की चीज़ें लगेगी वो सारे मैं चेंज कर दूँगा, चूँकि पूरा किट ही है। तो मुझे तो मेन चैन चेंज करना होगा। गरारी वरारी में दिक्कत तो किसी में भी नहीं है, फिर भी मुझे लगेगा कोई गरारी है उसको चेंज करना चाहिए, तो मैं उसे चेंज करूँगा। अभी केम टाइट किया है, अभी इधर से न्यू गरारी डाल दी, अब टाइमिंग लगाते हैं इधर से। तो अभी हमने टाइमिंग फिट कर दिया इसकी, कंप्लीट टाइमिंग देख सकते हैं। जो जो रिक्वायर की चीज़ें रही मुझे चेंज करना पड़ा, चैन तो हर हाल में चेंज करना पड़ा। टाइमिंग देख लो, सबसे पहले हमने क्या करना है, TDC पोजीशन देख रहे हो ना, ये TDC पोजीशन देख रहे हो ना, ये TDC पोजीशन पे इसका काटर लिया मैंने, काटर पिन जो है ये रहा काटर पिन, ठीक है। तो इसके सामने एक पॉइंट बना हुआ है जिस पे हमने चैन का डिस्क डाला है और न्यू चैन है, तो चैन का डिस्क एक पॉइंट पे डाल दिया। अभी इधर से टाइट करते हुए चैन को एक डिस्क डाल दिया इस पॉइंट पे, हाई प्रेशर पंप का ये वाला देख रहे हो ना, ये पॉइंट ठीक इसके डाल दिया, ये चूँकि हाई प्रेशर पंप की पुल्ली है। तभी इसका टाइमिंग अंदर वाले का क्रैंक और हाई प्रेशर पंप का ये टाइमिंग हो गया। अभी हाई प्रेशर पंप से ये देखो पॉइंट, तो हाई प्रेशर पंप से ऐसे टाइट होकर केम पे जाएगा, तो ये केम पे डिसकलर डाल दिया ये पॉइंट से, ठीक है ना, ये पॉइंट से डिसकलर डाल दिया और सेम टू सेम ऐसे ही डिसकलर इस वाले पॉइंट पे डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया अपना परफेक्ट टाइमिंग, देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टाइमिंग में। और फिर हमने लगा दिए इसके एडजस्टर और फिर लोअर एडजस्टर लगा के अब इसको सारे को टाइट कर लेंगे। लेकिन हमने इसमें क्या क्या चीज़ चेंज किया, चैन तो हर हाल में चेंज करना पड़ा, गाइड चेंज करनी पड़ेगी इसकी, ये ऊपर वाले पुल्ली चेंज करना पड़ा दोनों न्यू, और ये सब तो ये पंप का हाई प्रेशर पंप का तो जानते हैं लाइफ टाइम ये कभी ख़राब नहीं होता, ये बिल्कुल परफेक्ट है जो है। और ये लोअर का क्रैंकशाफ्ट का स्पोकेट ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैंने इसको भी रहने दिया। तो ये है कंप्लीट टाइमिंग का पूरा प्रोसेस। टाइमिंग मुझे चैन में डाउट था क्योंकि जो अब आपको दिखा देता हूँ मैं लाइव, देख लो एक बार, ये जो पिन देख रहे हो ना, ये पिन चूँकि टूटा हुआ था, ये पिन कौन सा था, ये वाला पिन था, ये देखो ये दोनों पिन टूट गए थे इसके, देख रहे हो ना दोनों, तो ये दोनों पिन टूट के गरारी घूम गई थी। तो अभी मेरे को चैन इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि यार चैन खींच गया हो, अभी दिख तो नहीं रहा कहीं से खींचा हुआ, पर हो सकता है कि खींचा हुआ हो। इसके चक्कर में मुझे कंप्लीट चैन किट डालनी पड़ी। और इंजन कर रहे हैं तो भाई प्रॉपर डालना ज़रूरी है। और सफाई का प्रोसेस आप देख ही सकते हैं, सफाई इतना मायने रखता है। केम आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, केम और गरारियाँ जो मैंने चेंज करी हैं, ये गरारी जो बच रही है सारी, और टाइमिंग चैन किधर है रे पुराना, दिखाओ ना इधर फ्रंट पब्लिक में, एक मिनट में पब्लिक को कन्फ्यूजन हो जाता है, मिनट नहीं लगता है कन्फ्यूजन होने में। हाँ ये देखो टाइमिंग चैन, तो ये है भाई कंप्लीट टाइमिंग, हट जा साइड हो जा, ठीक है। तो यही है सारा इंजन का प्रोसेस, अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम साइड की फिटिंग, टाइमिंग कवर, इधर टैपिट कवर, साइड की टोटल फिटिंग और इस साइड की टोटल फिटिंग करते हैं। तो हमारा इंजन देख सकते हैं, लाइट मारना चाहिए, वो लाइट मार रहा है, बस मुझे यही तो चाहिए। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट 3 अब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उसको चेक कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो है वो लास्ट में पार्ट 3 का। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।